नमस्कार, सीएमए पटना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और फिलहाल हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी मेंस 67 से रिलेटेड टॉपिक को। तो इसमें जीएस पेपर वन में डीआई भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। डीआई के दो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं। तो हमने 60वीं 62वीं बीपीएससी का जो पहला क्वेश्चन था उसे सॉल्व कर लिया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पहले से ही अपलोड किया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं 60वीं 62वीं का जो दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ था डीआई से रिलेटेड, उसके सॉल्यूशन पे। तो आज उस प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न बहुशलाका लेखा चित्र के आंकड़ों का अध्ययन कीजिए तथा किसी देश एक्स में अवधि 2006 से 2013 तक का उत्पादन, निर्यात तथा आयात करोड़ रुपए में दिखाए गए हैं तथा नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहले बार ग्राफ अच्छे से देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो यहाँ पे उत्पादन, निर्यात और आयात दिया हुआ है, ठीक है। और कब से कब तक? 2006 से 2013 तक का दिया हुआ, और ये रुपए करोड़ में है। तो इसको एक सारणी में लिख लेंगे। अब यहाँ से देखते हैं कि देश एक्स में वर्ष 2006 से 13 तक का उत्पादन, निर्यात तथा आयात रुपए करोड़ में है, ये सारणी, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे पहले एक सारणी बना लेंगे, यहाँ वर्ष लिख लेंगे, फिर उत्पादन और निर्यात, और फिर उसके पश्चात आयात। अब प्रश्न संख्या इसका ए है कि देश एक्स का किन वर्षों में निर्यात एवं आयात का अनुपात अधिकतम एवं न्यूनतम था, ठीक है। तो किसका अनुपात पूछ रहा है? निर्यात एवं आयात का। तो यहाँ पे निर्यात दे रखा है और यहाँ पे आयात दे रखा है। तो पहले हम बारी बारी से विभिन्न वर्षों में निर्यात एवं आयात का अनुपात निकाल लेंगे देश एक्स का, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, 2006 में अनुपात है इसका 900, ठीक है, 900:750। तो अनुपात इसका कितना आ जाएगा? 1.2। उसी प्रकार 2007 में आ जाएगा 1.05, ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग घेर लेते हैं। उसी प्रकार से 2008 में आ जाएगा 0.90, 2009 में 1.13, 2010 में कितना आ जाएगा? 1.16, 2011 में 1.09, 2012 में 0.77, उसी प्रकार 2013 में 1.41, ठीक है। तो ये आपको सॉल्यूशन इस तरह से दिखा देना है कि यहाँ पे आप चाहें तो एक सारणी बना सकते हैं, यहाँ पे वर्ष दिखा दें, यहाँ पे अनुपात दिखा दें, ठीक है, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट दिखा दें, ठीक है। या फिर दो ही सारणी बना सकते हैं, इधर में वर्ष और फिर इधर में अनुपात। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम पूछ रहा था। तो अधिकतम किस में आया हमारा? अधिकतम आया 1.41, ठीक है, और न्यूनतम आ रहा है 0.77, तो 2012 और 13 में, ठीक है। अतः निर्यात एवं आयात का अधिकतम अनुपात 2013 में कितना था? 1.41, तथा तो न्यूनतम अनुपात 2012 में 0.77। अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न को कि किस वर्ष में इसके उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात हुआ, वह प्रतिशत मान कितना था, ठीक है। तो हम लोग प्रतिशत मान निर्यात का कैसे निकालेंगे? ऊपर में रख लेंगे निर्यात, ठीक है, और नीचे में रख लेंगे उत्पाद का जो मूल्य है उसे रख लेंगे, इंटू 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है ना। और किसके संदर्भ में पूछ रहा है? तो उत्पादन के संदर्भ में पूछ रहा है। कहाँ है? उत्पादन के संदर्भ में पूछ रहा है। थोड़ा सा मैं यहाँ क्लियर कर लूं। उत्पादन के संदर्भ में पूछ रहा है किसका मान? तो निर्यात का मान। तो यहाँ पे ऊपर में निर्यात की वैल्यू, नीचे में उत्पादन की वैल्यू। तो विभिन्न वर्षों में निकाल लेंगे हम लोग। तो 2006 में निर्यात प्रतिशत कितना आ जाएगा? 81.82%, ठीक है। 2007 में कितना आ जाएगा? 2007 में निर्यात था 950, देखते हैं यहाँ पे, 2007 में 950 करोड़, और उत्पादन कितना था? 1300 करोड़, ठीक है। तो उसके आधार पे हमारा प्रतिशत कितना निकल जाएगा? 73.09%। उसी प्रकार 2008 में 70.37% और 2009 में 73.91%, ठीक है, यहाँ पे निर्यात और नीचे उत्पादन। और 2010 में आ जाएगा 68.75%, 2011 में 77.42%, 2012-2013 में उसी प्रकार क्रमशः 60.61% तथा 75%। तो अब क्या पूछ रहा था प्रश्न में कि किस वर्ष में इसके उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात हुआ। तो हम लोग यहाँ पे अगर मैच करते हैं तो सबसे अधिक कहाँ हो रहा है? सबसे अधिक हो रहा है 81.82, यानी 2006 में हो रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा शब्द में लिख देंगे कि अतः 2006 में उत्पादन का अधिकतम प्रतिशत 81.82% का निर्यात हुआ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या इसके सी पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि किसी देश वाई के लिए उत्पादन, आयात एवं निर्यात का अनुपात 7:6:5 हो
और वाई में वर्ष 2014 में उत्पादन एक्स में 2013 के उत्पादन का दोगुना हो। तो देश वाई से वर्ष 2014 में हुए निर्यात एवं आयात का मान क्या था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वाई में वर्ष 2014 में उत्पादन कितना है, तो ये 2013 में एक्स का जो उत्पादन है उसका दोगुना है। तो हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं सारणी से, तो यहाँ 2013 में एक्स का जो उत्पादन है वो यहाँ 1600 होगा, 1800 ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ देखिए सारणी में 2013 में देश एक्स का जो उत्पादन है उसको अगर हम लोग मिलाते हैं, ठीक है, तो ये 1600 पे जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 1600 करोड़ रुपए होगा, तो उसके अनुसार वर्ष 2014 में वाई का जो उत्पादन है वो हो जाएगा 1600 गुना 2 बराबर 3200 करोड़ रुपए, ठीक है। अब उसके आधार पे वाई में उत्पादन आयात और निर्यात का अनुपात था 7:6:5, तो यहाँ पे निर्यात और आयात का मान पूछ रहा है, तो 7x = 3200 हो जाएगा, ठीक है। ये 3200 जो है वो उत्पादन आया ना हमारा, तो अनुपात में अगर x हम लोग सभी में कॉमन मान लेते 7x बराबर 3200 हो जाता है। तो उसी के आधार पे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे कि 7x बराबर 3200, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3200/7, अतः 6x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2742.86 करोड़ रुपए, यानी आयात की वैल्यू निकल गई है। और उसी के आधार पर निर्यात की वैल्यू निकालेंगे तो 5x है निर्यात अनुपात में, ठीक है, तो 5 × 3200/7 बराबर कितना आ जाएगा 2285.71 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से वैल्यू निकल जाएगी। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न डी पे। देश एक्स में वर्ष 2008 एवं 2012 में उत्पादन का कितना प्रतिशत आयात किया गया, ठीक है। तो देखते हैं देश एक्स में वर्ष 2008 में आयात का प्रतिशत कितना है, आयात कितना किया गया, उत्पादन का पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आयात और यहाँ पे उत्पादन रहेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 2008 में डेटा आयात का, 2008 में है 1050 और 1350, ठीक है। तो 1050/1350×100 यानी इतना प्रतिशत हुआ आयात, और देश एक्स में वर्ष 2012 में आयात का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी वही सेम होगा, यहाँ पे आयात और यहाँ पे उत्पादन का आंकड़ा होगा, देख लेते हैं फिर भी। तो 2012 में कितना है 1300 है आयात, यहाँ पे आयात दे रखा है, और 1650 कितना है उत्पादन, तो उसके आधार पे हम लोग प्रतिशत निकालेंगे 1300/1650×100 यानी 78.79%, ठीक है। तो ये यही निकालना था, ये निकल गया हमारा। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रश्न ई पे। देश एक्स में वर्ष क्या कह रहा है ये प्रश्न देखते हैं हम लोग कि देश एक्स में वर्ष 2007 में निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि इसके उत्पादन एवं निर्यात का अंतर इसके आयात का 1/4 हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि देश एक्स में वर्ष 2007 में आयात कितना था, तो आयात था 900। अब आयात का 2007 में आयात का 1/4 कितना होगा 225 करोड़, ये वही तो कह रहा है कि इसके आयात का 1/4 हो जाए। तो प्रश्न अनुसार क्या करना है हमें, वर्ष 2007 में उत्पादन एवं निर्यात का अंतर 225 होना चाहिए। अतः अब क्या है, वर्ष 2007 में उत्पादन कितना करोड़ है, यहाँ हम लोग सारणी में एक बार देख लेते हैं। वर्ष 2007 में उत्पादन 1300 करोड़ है, आयात 900 करोड़ था, और आयात के आधार पर हम लोगों ने 225 करोड़ निकाल लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं कि वर्ष 2007 में उत्पादन 1300 करोड़ रुपए है, अतः 2007 में निर्यात होना चाहिए 1300 - 225 = 1075 करोड़ रुपए, और वास्तव में निर्यात कितना था तो 950 करोड़ रुपए, ठीक है, और अतः वृद्धि करनी चाहिए 1075 - 950 यानी 125 करोड़ रुपए। अतः प्रतिशत वृद्धि अब निकाल देंगे यहाँ से, प्रश्न में क्या पूछ रहा था प्रतिशत कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए निर्यात में, तो निर्यात में कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो 125 बटा जो जितना वृद्धि हुआ है उतना प्रतिशत ऊपर में लिखेंगे, और जितना निर्यात है उसको नीचे, और इंटू 100 यानी 13.16% की वृद्धि करनी चाहिए, ठीक है। तो ये था 60वीं से 62वीं का प्रश्न, इसको आप लोग एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 13.16% की वृद्धि करनी चाहिए, और ये अंतिम था इसका सब क्वेश्चन जो होता है, कुल 5 प्रश्न थे इस आज के प्रश्न में। तो सभी के सॉल्यूशन हम लोगों ने बारी बारी से बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल तरीके से देखा हम लोगों ने। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में एक नए सॉल्यूशन के साथ, और ये सीरीज ऐसे ही चलता रहेगा। और डीआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप सभी को डीआई अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप सभी के साथ अगले वीडियो में नए टॉपिक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ते रहें, धन्यवाद।